Hey guys, hello, welcome to my YouTube channel Health Consultant, and I welcome you for today's very important topic. और दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग. मैं अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूँ. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों, आज का बहुत ही एक अच्छा टॉपिक, इसका नाम है हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, जो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्या क्या उसके वजह से हमारे शरीर में बदलाव होते हैं. इस सभी का डिस्क्रिप्शन हम जो है हीट स्ट्रोक इस टॉपिक में करेंगे फ्रेंड्स, या सन स्ट्रोक. तो इसके हम तीन भाग करेंगे फ्रेंड्स. नंबर वन जो है इसमें आते हैं हीट क्रैम्प्स, और दूसरा जो है हीट एग्जॉशन, और तीसरा इसमें जो है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक. ऐसा इसमें तीन स्टेप होते हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप या हम सभी लोग जब धूप में फिरते हैं तो हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है, और उस टेम्परेचर की वजह से जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो हमें जो है क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं. क्रैम्प्स मतलब आपको पता होगा कि डिहाइड्रेशन, बॉडी में से जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है तो उस जगह हमें क्रैम्प शुरू हो जाते हैं. जैसे कि हाथ में क्रैम्प हो रहे हैं, हाथ इधर क्रैम्प हो रहे हैं, पैरों में क्रैम्प हो रहे हैं, कहीं बैक पे क्रैम्प हो रहा है, तो ये जो है हीट क्रैम्प्स इसे कहा जाता है फ्रेंड्स. ये क्यों होता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन, बॉडी में से फ्लूइड जब बाहर चला जाता है तब हमें जो है ये हीट क्रैम्प्स शुरू हो जाता है फ्रेंड्स. अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा कि हीट एग्जॉशन क्या होता है. जब हीट क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं तो बॉडी में से जो है फ्लूइड्स का ओवरलोड, फ्लूइड जो है बाहर बहुत ज़्यादा निकल जाता है, और ये पूरा जब फ्लूइड बाहर निकलने लगता है और बॉडी का जब हमारा हीट बढ़ने लगता है फ्रेंड्स, तो हम उसे जो है हीट एग्जॉशन ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है. हमें इस कंडीशन में क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? कभी कभी हमें चक्कर आने लगता है, हमारे आँखों के सामने अंधेरी आने लगती है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, लूज मोशंस भी हमें कभी कभी इसमें हो सकते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा, और एज ऑफ कोर्स फीवर तो इसमें बढ़ता ही जाएगा, बुखार आपका बढ़ता चले जाएगा, और आपका हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे फ्रेंड्स, आपको चक्कर आना लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि पूरा आपका सर घुमा रहा है. दैट इज़ हीट एग्जॉशन. हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, इसमें टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर सेल्सियस या इसमें बताएंगे तो 37 सेल्सियस ऐसा बताते हैं, बट अगर फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा ये टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर. और जब ये 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हम इसे फीवर कहते हैं. हीट क्रैम्प्स में फीवर 99 से 100 हो सकता है. हीट एग्जॉशन में जो है फीवर 100 से 101, 102 तक जा सकता है. लेकिन हमारा सब में ज़्यादा फोकस जो है फ्रेंड्स, आज का जो मेन टॉपिक है वो है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक. तो हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर कितना होता है, क्या आपको पता है फ्रेंड्स? No, then I will tell you. The temperature in heat stroke is 104 Fahrenheit. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 104 है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी जो है वार्म हो जाएगी फ्रेंड्स, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप हाइपरथर्मिया में चले जाएंगे, और जो है आपको चक्कर आएगा, और आप कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, और आपका बीपी लो होगा एज ऑफ कोर्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन. और डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? और आपको इस कंडीशन में जो यूरिन है वो यूरिन जो है कम कम आएगा, या फिर डिहाइड्रेशन में ऐसा हम कहेंगे कि यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स. हमारा नॉर्मल यूरिन का कलर जो है ये वाइटिश रहता है फ्रेंड्स, बट जब डिहाइड्रेशन हमें होता है तो डार्क येलो ये यूरिन का कलर बदल जाता है. तो
तो इसका मतलब हमारे बॉडी में से फ्लूइड बहुत जा चुका है फ्रेंड्स। तो ये मैं बता रहा था, सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक में आप कोलैप्स हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं और आपका बीपी लो हो सकता है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से जो है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, आप हाइपोक्सिया में जा सकते हैं, आपका ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो सकता है, बीपी तो कम होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तक 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 तक, आपका टेम्परेचर 104 के ऊपर चला जाएगा और आप कोलैप्स होंगे और कभी कभी आप अरेस्ट में भी जा सकते हैं सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की वजह से। तो दोस्तों अब नॉर्मल इसमें ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए हीट स्ट्रोक में। आपको लग रहा है कि आपको धूप लगी है और गर्मी की वजह से, धूप लगने की वजह से, गर्मी की वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो पहले तो आप ये काम कीजिए, जो भी पेशेंट आपके सामने कोलैप्स हुआ है या पड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगता है जिसी को भी हीट स्ट्रोक हुआ है उसको जो है आप ठंडे वातावरण में लेके जाइए, उसका शर्ट उसके कपड़े काट दीजिए पूरे, क्योंकि वो कपड़ों की वजह से भी कभी कभी हीट जो है अंदर जमा होती रहती है, उसको ठंडे पानी से या जो नॉर्मल पानी है उससे उसका आंग धो लीजिए, उसको बर्फ़ आइस कोल्ड के पैक भी आप लगा सकते हैं, इमिडिएटली उसको जो है हॉस्पिटल को रन कीजिए, उसको आईवी फ्लूइड दीजिए, उसको एंटी टेम्परेचर का मेडिसिन दीजिए, पैरास्टेमोल, एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड्स, ये सभी उसको दे दीजिए फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप वहाँ पे स्टार्ट कीजिए, कपड़े काढ़िए, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए, पानी से, ठंडे पानी से उसका अंग पुछ के लीजिए और उसको हवा के वातावरण में फेयर एयर कूलर फैन कूलर के अंदर उसको सेटल कीजिए फ्रेंड्स, वो पेशेंट जो है सेटल हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक में अगर आपको नहीं जाना है तो आपको करना क्या है। आपको जो है सुबह 11 से दोपहर में 3 बजे के अंदर जो है आपको बाहर नहीं फिरना है, इन्वायरमेंट में आपको जब जाना नहीं, क्योंकि जब उस टाइम पे जो है हीट बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, तो इसका आप ध्यान रखिए। और इसमें और मैं कुछ बातें बताऊँगा, आप बाहर से फिर कर आए हैं इमीडिएटली आप कोल्ड वाटर ना लें, आप जो है नॉर्मल वाटर लें, कोल्ड वाटर से भी कभी कभी तकलीफ हो सकती है, आपको जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको बोलते हैं वो हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप जो है बाहर जा रहे हैं तो कॉटन के कपड़े पहनिए, जिससे जो है आपको हीट ज़्यादा नहीं लगेगी। आप बाहर जा रहे हैं हल्के कपड़े पहनिए, सर पे रुमाल बांधिए, टोपी लीजिए और दिन भर में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक कीजिए, यही इस हीट से, समर से बचने का तरीका है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक का अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, उसके बाजू का बेल आइकन दबाओ। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।